आपको कैसी स्मार्टनेस चाहिए डॉक्टर के सामने, तो आज मैं शेयर करता हूँ, अ गुड एंड स्मार्ट डॉक्टर कैन सेव मेनी लाइफ ऑफ पेशेंट। और वही स्मार्ट पेशेंट अगर हेल्थ अवेयरनेस के बारे में सोचे, अपनी बीमारी के बारे में सोचे, तो वो अपनी दवाई भी कम कर सकता है और अनवांटेड जो ऑपरेशन हो रहे उसको भी रोक सकता है। सो टुडे आई विल शेयर यू सम टिप्स टू हाउ टू बिकम स्मार्ट पेशेंट। एक, आप कभी भी एक तरफ डॉक्टर का ना सुनो, आप कभी भी उसके हाँ के हाँ में ना बोलो, आप ऑलवेज काउंटर क्वेश्चन रेज करो। दो, पूछे कि बीमारी का रीजन क्या है, किस चीज से बीमारी हो रही है और उसको कम करना है तो मैं क्या करूं। तीसरा, आप मेडिसिन का नॉलेज रखें, क्योंकि आज हर एक मेडिसिन की एक साइड इफेक्ट है और कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन है जो डॉक्टर बताते नहीं है और पेशेंट पूछते नहीं है। अगर आप पूछो तो आप तुरंत ही, अगर कोई साइड इफेक्ट रेस होती है तो आप डॉक्टर को कॉन्टेक्ट कर पाओ और वो दवाई को टर्मिनेट कर पाओ। चौथी, ऑलवेज शो योर ओल्ड मेडिसिन टू अ डॉक्टर। ज्यादातर क्या होता है, हम जाते हैं डॉक्टर फाइल देखते हैं, दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं, उसको ये नहीं पता कि पुरानी दवाई क्या चल रही है। अगर वही डोज चला रहे हैं तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, कौन सी पुरानी गोली पे आप सेट हो या नहीं हो उससे पता लगे। पांचवी, ऑलवेज शेयर योर रियल लाइफ स्टाइल और हैबिट, क्योंकि ज्यादातर पेशेंट को हम पूछते हैं तो वो आधा सच बोलते हैं और उसी हिसाब से डॉक्टर दवाई देते हैं। सो ऑलवेज शेयर अ रियल ट्रूथ कि आपकी लाइफ स्टाइल क्या है, आपके बैड हैबिट्स क्या है, सो उसके अकॉर्डिंगली आपके डॉक्टर आपको सही से दवाई बता सकते हैं। बट आजकल हार्ट की बीमारी में क्या हो गया है कि आप अगर एक पैटर्न देखो तो हार्ट के पेशेंट कुछ दर्द के लिए हॉस्पिटल जाते हैं, दर्द के बाद डॉक्टर ECG निकाल लेंगे, फिर बोलेंगे TMT करो, इको करो, इको में कोई तकलीफ आएगी तो एंजियोग्राफी करो, स्टेंट डालो या बाईपास करो, बाईपास के बाद वापिस आप दवाई पे। सो अगर आप स्मार्ट पेशेंट हो सो मस्ट आस्क योर डॉक्टर कि सर हमारे ECG और इको में तकलीफ आई और उसके लिए आप स्टेंट और बाईपास हमें कर रहे हो, सो क्या हमारे रिपोर्ट्स रिकवर हो जाएंगे, क्या हमारा हार्ट का इको इम्प्रूव हो जाएगा। अगर डॉक्टर बोलते हैं हाँ ये इम्प्रूव हो जाएगा सो मस्ट फॉलो योर डॉक्टर, और अगर डॉक्टर बोलते हैं कि हाँ आपका ECG वैसा ही रहेगा, हार्ट के फंक्शन में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा, सो ऐसे केस में चूज अ स्मार्ट ऑप्शन दैट इज अ मेडिसिन, क्योंकि मेडिसिन वॉज अ एब्सोल्यूट सेफ ऑप्शन जो आपके हार्ट की बीमारी में या कोई और भी बीमारी में हेल्पफुल हो सकता है। सो आप ऑलवेज चूज अ स्मार्ट ऑप्शन इन हार्ट पेशेंट and take safe option. Thank you.